अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी तकरीबन भी 11 बजे का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह तो हम सब ने काफ़ी देर पहले ही कर लिया है। नेहा भी कर रही है अपने घर के काम, और कल बहुत ही ज़्यादा थक गया था मैं, क्योंकि पूरा दिन घर के काम करवाए नेहा के साथ, पापा के साथ, और बाहर भी गया 2-3 दफ़ा दूर। तो इसकी वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट उठा हूँ। और अभी मैंने थोड़ी देर में तकरीबन भी 10-15 मिनट के बाद जाना है अपनी दादी को लेने, क्योंकि कल रात में मैं उनके घर गया था तो दादी ने मुझे बोला था कि अदनान बेटा आप लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मुझे कल आकर ले जाना। तो अभी मैं जाऊँगा अपनी दादी को लेने। नेहा जैसे ही अपने काम ख़त्म कर लेगी तो फिर लेने जाऊँगा। वैसे तो वो हमारे घर पर नहीं आती हैं दादी, लेकिन कल मैं उनके घर गया था तो कह रही थी अब तुम्हारा घर पास है तो मैं आ जाया करूँगी, कभी कभार आके मुझे ले जाना। तो खैर मैंने कल बोला था दादी को कि मैं कल आऊँगा 11-11:30 बजे के टाइम पे, तो बस मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा यहाँ से। ये देखें, यहाँ पर सारा का सारा सामान फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। अभी मैं बस जा ही रहा था लेकिन नेहा ने मना किया कि अभी नहीं जाओ, थोड़ी बहुत मैं सफाई कर लेती हूँ तो फिर चले आना। ये वहाँ पर सामने खड़ी होकर बर्तन धो रही है और पापा यहाँ पर आराम कर रहे हैं, सो रहे तो नहीं हैं, वैसे ही लेटे हुए हैं। बस जैसे ही ये सारी सफाई हो जाएगी, थोड़ा मतलब घर साफ़ हो जाएगा, तो फिर मैं दादी को लेने चले जाऊँगा। भाई नेहा ने अंदर सफाई कर ली है और मैं यहाँ से गैलरी से बाइक निकालने आया हूँ। यहाँ पर मकान मालिक की भी बाइक खड़ी होती है और मेरी भी 2-3 बाइकें और भी खड़ी होती हैं, जो ऊपर किराएदार है ना, यह पूरी बिल्डिंग है। तो मैं बस बाइक निकालता हूँ और अम्मा को लेने जाता हूँ दादी को। अभी मैं दादी के घर पर आ चुका हूँ, दादी तो मेरे साथ बैठी हुई हैं यहाँ पर। और ये है मेरा छोटा कज़न, चाचू का बेटा सबसे छोटा। और ये क्या है, ये इतनी लंबी तार क्या है आपकी? तार है? तार। ये माइक है आपका? क्या करते हो इसमें? नाच करता हूँ। पढ़ के सुनाओ। अजान देता हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे साथ चलोगे ना? तो फिर जल्दी जल्दी चलो, ये अम्मी को दो, रखो और फिर चलो, सही है? भाई मैं दादी को अपने घर पर छोड़कर आ गया हूँ, और मैं वापस दादी के घर पे इसलिए आया क्योंकि मैं अपना वॉलेट यहीं पर भूल गया था। अब वॉलेट घर लेके जाऊँगा वापसी। भाई मैं अभी जा रहा हूँ बाहर दही लेने, क्योंकि मैं घर के करीब गया था, मुझे दही नहीं मिली, तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। बाइक की चाबी मैंने ले ली है, बाइक पर जाना पड़ेगा, देखता हूँ कहाँ से मिलती है। भाई मैं बाइक पर गया दही लेने और इतनी मुश्किल से मुझे दही मिली है। तकरीबन भी मैं आधे घंटे में वापस आया हूँ और खैर दही मिली गई, काफ़ी दूर तक गया था। अभी ये दही मिली है तो मैं ये अंदर जाके किचन में देता हूँ। दादी, पापा और नेहा तीनों मिलके खाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देखें, अंदर दादी भी लगी हुई है पकाने में और नेहा भी लगी हुई है। मसाला दादी इसलिए पीस रही हैं क्योंकि नेहा के हाथ में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, वो सिल बट्टा नहीं चला सकती। पापा हेल्प कर रहे हैं, नेहा बस थोड़ा बहुत काम करा रही है, और बाकी आज दोपहर में ही पकेगा गोश्त। वैसे तो गोश्त नहीं पकता है लेकिन आज दादी आई थी तो इसलिए पापा ने बोला कि गोश्त पका लेते हैं। भाई मैं गया था रोटी लेने और रोटी भी लेकर आ चुका हूँ, ये देखें। और अभी मैं अंदर जाता हूँ, खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि भूख भी लग रही है, और काफ़ी देर से मैं गया हुआ था, रश था वहाँ पर। अभी रोटी लेकर आया हूँ, अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं। तो भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने खाना खा लिया है दोपहर का, और आज माशाल्लाह से खाना बहुत ही अच्छा बना था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दादी की वजह से। दादी आ गई थी तो आज हमारे घर में खाना पक गया। बाकी आप सब लोग को तो पता है, ज़्यादातर हम हफ्ते में 4 दफ़ा बाहर से ही मंगा के खाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि नेहा के हाथ सही नहीं है, वो छोटे छोटे से उसके दाने निकल रहे हैं, तो हाथों से ही बंदा काम करता है। अब हाथ ही सही नहीं होंगे तो काम कैसे करेगा? खैर जब सही होंगे तो इंशाल्लाह वो पकाएगी। और मेरा तो दिल कर रहा है कि दादी को यहाँ से भेजते ही नहीं है, दादी को कहता हूँ कि आप यहीं पर ही रह लो, वहाँ छोटे चाचा के भी रहती हो और हमारे यहाँ पे भी रह लो कुछ दिन, वहाँ रह लिया करो कुछ दिन यहाँ पर। खैर मैं अभी
कपड़े प्रेस करने के लिए आया था कमरे में, और मैं अपने कपड़े प्रेस निकाल वो कपड़े निकालता हूँ अलमारी से और फिर प्रेस करता हूँ। तो भाई कपड़े प्रेस करने से पहले मैंने सोचा कि नेहा अभी अभी कमरे में आई है तो थोड़ा इससे पूछ लेता हूँ कि आज मेहनत करने में मज़ा आया कि नहीं, क्योंकि रोज़ तो ज़्यादातर मेहनत नहीं करती है, इसके हाथों की वजह से हम थोड़ा ज़्यादा मतलब के काम नहीं करवाते, ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि खाना पकाओ, है नया नहीं, बस मेहनत करके तो सही लगा रोजाना की तरह। ये है कि कल तो मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी, बस झाड़ू पोछा और सफाई की थी, घर के थोड़े से काम किए थे, लेकिन ना आज काम किया है तो हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, क्योंकि पाँव में भी दाने निकले, हाथ में भी दाने निकले, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। हाथ दिखाओ इनको, ये देखें, ये देखें इसकी हथेली पे ना बिल्कुल दाने हो रहे हैं, ना ये आटा गूंद सकती है, तो इस वजह से जो है ना आटा नहीं मैं गूंद सकती। हाँ। ऐसा ना हो कि अब मेरे जरासीम जो है बाकी सबको भी लग जाए। हाँ। इस वजह से जो है ना, और आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि नेहा काम नहीं करती काम नहीं करती, एक तो इसको ज़्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी ये करती है जितना कर सकती है, और इन हाथों की वजह से ये रोज़ रोज़ अब कर भी नहीं सकती। अब देखें कितने दिन में ये सही होते हैं, टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, दवाइयां तो ले लेके परेशान हो गई है, रोज़ बेचारी दवाइयां खाती है, गोलियां खाती है, वो वाले घर से खाती है, खा रही हूँ यूँ समझे दो ढाई हफ्ते से खा रही हूँ दवाइयां, इंजेक्शन लग रहे हैं, 6-7 इंजेक्शन लग चुके हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। हाँ अभी ये हो रहा है बस हल्का फुल्का, ये कल भी जाके दवाई लेकर आई थी। खैर मैं अभी कपड़े प्रेस करता हूँ, कपड़े प्रेस तो कर सकती हूँ ना, खैर खुद ही करूँगा, मैं निकालता हूँ कपड़े अलमारी से, निकाल दिए वैसे और तो फिर हाँ निकाल तो दिए, मैं बोल रहा था ना चलो कपड़े प्रेस कर लेता हूँ, मैं खुद ही निकाल दिए, मेहरबानी भाई। अभी मैं अपनी दादी को उनके घर पर, हाँ ये क्या पढ़ रहे, ये हाँ ये नाते पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे है ये बहुत ही मेरा छोटा कज़न मतलब के बहुत ही ज़्यादा शरारती है, कोई भी चीज़ उठाता है अजान देने लग जाता है या फिर कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाता है, अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है। खैर हमने तो अम्मा को बहुत रोका था लेकिन अम्मा रुकी नहीं, अम्मा कहती है कि भाई वहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से दिल लगा रहता है, अब हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं। तो भाई मैं अभी दादी को उनके घर पर छोड़कर आ चुका हूँ, मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि दादी को यहाँ पर रोक लूँ लेकिन उन्होंने बोला नहीं मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगेगा, वहाँ पर मेरे छोटे बच्चे हैं मतलब के मेरे छोटे कज़न, एक लड़की और एक लड़का उनके साथ, वो छोटे बच्चे हैं ना दादी का दिल लगा रहता है। फिर मैंने बोला खैर आपकी मर्ज़ी है, जब दिल करे आओ जब दिल करे जाओ। तो वापस आकर मैंने खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन भी 10 बज रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।